लोकसभा सामान्य चूंटनी रून 2024 दरमियान चूंटनी लड़ता उम्मेदवारों तेमज राजकीय पक्षों अंगेनी चूंटनीलक्षी माहिती प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों सहित नागरिकों माटे बहुमाळी भवन कैंपस स्थित आयोजन भवन खाते तैयार करायेला मीडिया सेंटर नी जिला चूंटनी अधिकारी अने कलेक्टर डॉक्टर सौरभ पारधीए मुलाकात लीधी हती। उपरांत तेमने अहीं प्रथम माले जिला कक्षाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चेनलोना मॉनिटरिंग माटे कार्यरत मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर MCMC नी पण मुलाकात लई थई रहेली कामगीरीनुं निरीक्षण कर्युं हतुं अने जरूरी सूचनो कर्या हता। अधिक जिला चूंटणी अधिकारीओ कमलेश राठौर तथा RC पटेल, नायब कलेक्टर चूंटणी डॉक्टर कृतिका वसावा, मामलतदार प्रतीक जाखड़ सहितना अधिकारीओ आ वेळाए उपस्थित रह्या हता। आ प्रसंगे डॉक्टर सौरभ पारधीए जणाव्युं हतुं के आदर्श आचार संहितानो चुस्त अने योग्य अमल करी न्यायी अने मुक्त चूंटणी योजवा माटे जिल्ला वहीवटीतंत्र सुसज्ज बन्युं छे। जिल्ला चूंटणी तंत्र द्वारा उभा करायेला आ प्रदर्शन एकममां चूंटणीलक्षी तमाम माहितीनो समावेश करायो छे। आ सेंटरमां सामान्य नागरिकों पण मुलाकात लई शकशे। उपरांत जेम जेम लोकसभा चूंटणीनी प्रक्रिया आगळ वधशे तेम मीडिया सेंटरमां तबक्कावार अवनवी माहितीओ उमेरवामां आवशे। मीडिया सेंटर लोकसभा चूंटणीनी प्रक्रिया पूर्ण थाय त्यां सुधी कार्यरत रहेशे। मीडिया नोडल अधिकारी अने नायब माहिती नियामक उमेश बाविसाए जिल्ला चूंटणी अधिकारी ने मीडिया लक्षी माहिती अने स्थानिक चेनलोना मॉनिटरिंग अंगेनी जानकारी थी वाकेफ कर्या हता। नोंधनीय छे के जिल्ला चूंटणी तंत्र अने प्रादेशिक माहिती कचेरीना उपक्रमे बहुमाळी कैम्पस खाते कार्यरत मीडिया सेंटरमां सूरत जिल्लानी 16 विधानसभानी मतदार विभागोनी पुरुष महिला मतदारोनी संख्या नोडल अधिकारीओ अने चूंटणी अधिकारीओनी फोन नंबर सहितनी आंकड़ाकीय विगतो फ्लेक्स बेनरोना माध्यमथी प्रदर्शित करवामां आवी छे। इमरजन्सी नंबरो, VVPAT निदर्शन माहिती तेमज चूंटणी आचार संहिता वर्ष 1851 लई 2019 सुधीनी लोकसभा चूंटणीनी आंकड़ाकीय झलक सहितनी अन्य जानकारी आ स्थळेथी माध्यमोने मळी रहे तेवी व्यवस्था उभी कराई छे। सेंटरमां विविध संपर्क नंबरो, वेबसाइटनी माहिती, जिल्लाना मतदारो, विविध उपयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एप्सनी रसप्रद जानकारी प्रदर्शित करवामां आवी छे। लोकसभानी सामान्य चूंटणी रून 2024 दरमियान चूंटणी लड़ता उम्मेदवारो तेमज राजकीय पक्षोना प्रचार प्रसारनी तमाम गतिविधिओ उपर चूंटणीपंच झीणवटपूर्वक नजर राखी निरीक्षण करी रह्युं छे। जे कामगिरी माटे भारतना चूंटणी पंचनांग मार्गदर्शन अनुसार राज्यना प्रत्येक जिल्लामां मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी MCMC नी रचना करवामां आवी छे। उम्मेदवारो द्वारा आपवामां आवती पेड न्यूज जेवी बाबतो उपर MCMC बाज नजर राखी तेनुं निरीक्षण करी योग्य कार्यवाही करशे। सूरत जिल्ला स्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण अने देखरेख समिति MCMC नी जिल्ला चूंटणी अधिकारी अने कलेक्टरना अध्यक्ष दे रचना करवामां आवी छे, जेमां सभ्य सचिव तरीके नायब माहिती नियामक सूरत, सभ्य तरीके नायब कलेक्टर सिटी प्रांत, अन्य सभ्य क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी PIB, जिल्ला प्रोजेक्ट मैनेजर गील सूरत तथा आकाशवाणीना स्टेशन डिरेक्टर सूरतनी निमणूक करवामां आवी छे। आ समिति बे प्रकारनी मुख्य कामगीरी करशे। आ कमिटी द्वारा राजकीय पक्षों तरफथी वीजाणु माध्यमोमां प्रचार प्रसार माटे तैयार करवामां आवती जाहेरातोने प्रमाणित करवानी तथा उम्मेदवारोनी तरफेणमां उम्मेदवारो, संस्था, ठेकेदारो तरफथी प्रिंट मीडियामां आपवामां आवती जाहेरातो अंगेनो खर्च उम्मेदवारना चूंटणी खर्चमां उधारवा अंगे पेड न्यूजनी कामगीरी करवामां आवशे, जेमां विज्ञापनोनું प्रमाणीकरण तथा पेड न्यूज संबंधी तमाम फरियादोनी चकासणीनो समावेश थाय छे। आ उपरांत समिति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम हेठळ माध्यमो संबंधी विनियमोनो अमल करावामां पण आ समिति सहायभूत बनशे। जिल्लानी MCMCના पेड न्यूजना तमाम केसोनी तपास अथवा स्वयं हाथ धरी शकाय तेवा केसोना संदर्भमां उमेदवारोने नोटिस इश्यू करवानी सूचनाओ आपशे। राजकीय पक्षोना प्रचार प्रसारनी तमाम गतिविधिओ नजर राखवा माटे जिल्ला कक्षाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर EMMC नी पण रचना करवामां आवी छे। राजकीय पक्षो उम्मेदवारो द्वारा न्यूज चेनलो पर आपवामां आवती जाहेरातो,
पेड न्यूज अंगे सतत ऑडियो विज्युअल द्वारा चेनलोनु सतत मॉनिटरिंग नी कामगीरी आ सेंटर मांग कराशे। राजकीय पक्षोए रेडियो टेलिविजन मां जाहेरात आपता पहला आ कमिटी पासे मंजूरी मेळवानी रहेशे। ચૂંટણીની આદર્શ આચારસંહિતા લાગુ થયા પછી આપણે બહુમાળી ભવન ખાતે સુરત જિલ્લાની જેટલી 16 એસેમ્બલી સેગમેન્ટ છે એના માટેની મીડિયા સર્ટિફિકેશન મોનિટરિંગ કમિટી અને મીડિયા કંટ્રોલ રૂમ છે અહીંયા કાર્યરત કર્યું છે। એની પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે આજે મુલાકાત પણ લીધી અને જરૂરી સૂચનાઓ આપી છે। એક ઇલેક્શનમાં લેવલ પ્લેઇંગ ફિલ્ડ થાય અને કોઈપણ મીડિયાનો જે છે દુરુપયોગ ના થાય, પેડ ન્યૂઝ ફેક ન્યૂઝ આના ઉપર આપણે જે છે કંટ્રોલ રાખીએ અને આનું જે છે પ્રોપર એક્સપેન્ડિચર છે એ પણ કેન્ડિડેટ કે પાર્ટીના ખર્ચમાં ગણાય એના માટેનું આ સેન્ટર કાર્યરત હોય છે। જે અમુક કન્ટેન્ટ છે મીડિયાના એ સર્ટિફિકેશન માટે પણ અહીંયાથી કામગીરી થાય છે અને બધા જ કેન્ડિડેટ્સને પાર્ટીઝને લેવલ પ્લેઇંગ ફિલ્ડ મળે એના માટે ઇલેક્શન તંત્ર કાર્યરત છે અને આના ભાગરૂપે જે મીડિયા સર્ટિફિકેશન મોનિટરિંગ સેન્ટર છે એ અહીંયા કાર્યરત છે। નહીં, અત્યારે તો બધા મોનિટરિંગ થાય છે અને જેટલી પણ ચેનલ્સ છે, લોકલ ચેનલ છે અને ઇવન મીડિયામાં જે ચાલતી હોય, બીજા જે સોશિયલ મીડિયાવાળા છે એ પણ આપણે એની રેકોર્ડિંગ પણ રાખીએ છીએ, જે રિલેવન્ટ જ્યાં પણ લાગતું હોય અને આપણને ક્યાંક આચારસંહિતાનું ભંગ જણાતું લાગતું હોય તો એના ઉપર આપણે કરીએ છીએ। અત્યાર સુધી સુરત જિલ્લામાં આવી કોઈ જે છે ધ્યાન ઉપર આવી નથી। બ્યુરો રિપોર્ટ, કર્તવ્ય ગુજરાત ન્યૂઝ, સુરત।